हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैमरस सखी। मैं हूँ संध्या। आज मैं आपको ग्लैमरस सखी में श्री क्षेत्र खंडेराय देवस्थान मुड़गांव बदलापुर इसका आज व्लॉग लेके आई हूँ। ये पांचवा व्लॉग है, आप ज़रूर देखिए और कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइए। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। हाय श्रेयस, हाय। सो अभी हम निकले हैं, सुबह सुबह 8 o'clock को निकले थे, जल्दी जाना था बट लेट हो गया, फिर भी निकले हैं। और ये बीच में जो पॉइंट है, ईस्ट से वेस्ट में जाने के लिए जो बीच बीच में प्रवेश द्वार वो सब लगते हैं, वो मैंने क्लिप डाले हैं आपको आइडिया आने के लिए। सो हम लोग टोटल 5 जन थे, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा और मेरी भैया भाभी। सो आपको मालूम है हमारा ग्रुप बहुत अच्छा है और ग्रुप में जाएंगे तो बहुत मज़ा आता है, ये सोच के निकले हैं और आई थिंक बहुत मज़ा आया। सो ये बीच बीच में जो क्लिप मैं आपको दिखा रही हूँ, मेन मेन पॉइंट है तो वो देखने के लिए आपको मैंने बीच बीच में डाले, क्योंकि पूरा रास्ता दिखाने से अच्छा है जो व्लॉग है वो शॉर्ट एंड स्वीट में हो उतना ही अच्छा। सो मैं, ये देखिए बीच में ये हुतात्मा वीर भाई कोतवाल का चौक आता है, ईस्ट में ही है ये, और इससे हम लोग अभी वेस्ट में जा रहे हैं। ये वेस्ट का ये फ्लाईओवर है, वहाँ से हम लोग वेस्ट में चले जाएंगे और गूगल मैप से हम लोग नॉर्मली जाते हैं क्योंकि वहाँ से, ये देखिए अभी वेस्ट में हम लोग पहुँच गए। ये स्टेशन का रोड है पूरा और यहाँ से ही आपको अप्रोक्स 10 किलोमीटर इसका रेंज, मतलब ये है वेस्ट से स्टेशन से आपको 10 किलोमीटर अंदर ये जो स्पॉट है श्री क्षेत्र खंडेराय देवस्थान मुड़गांव बदलापुर, बहुत बहुत ब्यूटीफुल स्पॉट है। इसमें इसे यहाँ पे सनराइज़ और सनसेट बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है, बट हम लोग को सनराइज़ भी नहीं मिला और हम लोग जल्दी निकल आए तो सनसेट भी नहीं ले पाए। तो आपको बीच बीच में ये देखिए, यहाँ से ये जो है प्रवेश द्वार है वो कुड़गांव बदलापुर नगर परिषद का प्रवेश द्वार है। आपको मतलब आपका व्हीकल रहेगा, खुद का रहेगा, आई डोंट नो बट रिक्शा कितना लेता है मुझे मालूम नहीं है, बट प्राइवेट कार रहेंगे या आपका बाइक रहेगा सो आप इजीली जा सकते हो। ऐसा ये स्पॉट है, बहुत ब्यूटीफुल स्पॉट है। इसके बीच में एक स्पॉट आता है, ये देखिए यहाँ पे एक मतलब नदी जैसे, आई डोंट नो कि ये बारहवीं धरण का पानी है या कोई सो कौन सा तो पानी है यहाँ पे, आई थिंक मैं अभी रिवर ही बोल रही हूँ बट रिवर ही है, नदी है, बहुत ब्यूटीफुल नदी है। हम लोग ये स्पॉट कभी तो कैच करेंगे और आपको ज़रूर दिखाएंगे इसका व्लॉग, बहुत ब्यूटीफुल है। वहाँ पर बैठने के लिए भी अमेजिंग है। अभी मुझे नॉर्मली बहुत दूर था इसके लिए मैं शूट नहीं कर पाई, बट बहुत अच्छा है वो स्पॉट और बच्चों को खेलने के लिए भी बहुत अच्छा है। ये देखिए ये पूरा ग्रीनरी है दोनों साइड से और हम लोग अभी निकल रहे हैं, आगे आगे जा रहे हैं और ऐसे ही आपको मतलब ग्रीनरी है दोनों बाजू में। और अभी जो मैंने वो जो नदी बोला वहाँ पर बैठने के लिए भी बाजू में ऐसा मतलब और वो सब है। सो ये था उसका व्यू, मैं थोड़ा बहुत क्लिप ले पाई बट बहुत ब्यूटीफुल है ये भी नदी, बहुत रिवर अच्छा ही है, बहुत ब्यूटीफुल है। अभी थोड़ा मतलब 8 o'clock को गए थे तो थोड़ा मतलब सूरज ऊपर आया था तो इतना अच्छा क्लिप नहीं ले पाई, बट हम लोग आते समय का वो क्लिप देखिए बहुत बहुत ब्यूटीफुल लगती है और मतलब वहाँ पर रहेंगे तो बहुत अमेजिंग अमेजिंग एक्सपीरियंस है। सो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए यहाँ पर आने का और ये रिवर पे मतलब मज़ा लेने का, मतलब एकदम से अंदर जाने के लिए नहीं बोल रही हूँ बट आप लोग मतलब पीछे से ही देख के थोड़ा बहुत पानी का मज़ा ले सकते हैं। ये देखिए और एक ये प्रवेश द्वार आया और यहाँ से हम लोग एंटर कर दिए और आगे चल रहे थे। सो और गूगल मैप लेके ही आपको किसी भी मतलब स्पॉट का आइडिया नहीं होगा तो गूगल मैप आप ज़रूर यूज़ कीजिए, बहुत यूज़फुल है सब, मतलब वहाँ पे जितना मतलब हमारे रोड या मतलब जो रास्ते हैं वहाँ पे कौन से स्पॉट है वो सब गूगल मैप में अच्छी तरह दिखाई देते हैं। सो हम लोग कभी भी कहाँ पे नए जगह पे जाते तो गूगल मैप का यूज़ करते। और अभी जो भैया भाभी आगे जा रहे हैं तो वहाँ से ही वो लोग ही गूगल मैप यूज़ करके आगे जा रहे हैं और उनके पीछे हम लोग जा रहे हैं। बहुत ब्यूटीफुल है, रास्ता भी बहुत अच्छा है और मतलब शांत है, दो बीच बीच में गांव आते हैं। सो बहुत अच्छा है लगा हम लोग को क्योंकि थोड़ा मतलब नेचर से रिलेटेड रहता है तो बहुत ब्यूटीफुल लगता है, अमेजिंग लगता है। सो ऐसे हम लोग चलते जा रहे थे तो आपको ये थोड़े बहुत बीच बीच में क्लिप आते रहेंगे क्योंकि रोड बहुत अच्छा था। सोचा आपको थोड़ा व्यू भी दिखा देती हूँ बीच बीच में आप।
तो हम लोग निकल रहे थे तो सोचा कि रोड कैसे रहेगा, क्या रहेगा, थोड़ा बहुत टेंशन था और कितना मतलब रेस्ट राइड करने का वो सब दिमाग में था। बट रोड इतना मतलब सिंपल है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए बीच में ऐसे मतलब ये भी दिए हैं उन्होंने, ब्लू कलर के जो फ्लैग या रहते हैं वो दिए हैं, या बोर्ड बोल सकते हैं आप, वो दिए हैं, तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा। और अच्छा ब्यूटीफुल रोड है और वो मतलब सीनरी भी आगे का बहुत अच्छा है। ये गांव भी बहुत शान शांत है और मतलब बीच में मुझे ऐसे एक दो ही होटल्स मिले, मैंने क्लिप डाला नहीं है। बट आपको स्टे करने के लिए इतना कुछ है नहीं, समझो आप सिर्फ ऐसे मतलब स्टे करने के लिए रहोगे और बीच में वो बाद में वो स्पॉट ये कर पाओगे, विजिट कर पाओगे, ऐसा कुछ रहेगा तो आप वैसा मत सोचिए। जाके आने के लिए ये स्पॉट बहुत ब्यूटीफुल है क्योंकि वहाँ पर ऐसे होटल नहीं है, रेस्टोरेंट नहीं है, खाने की ज़्यादातर चीज़ें अलाउ नहीं है वहाँ पे, मतलब ज़्यादातर चीज़ें है नहीं अलाउ, ऐसा नहीं है, आपको कैरी करने पड़ेंगे पानी या जो कुछ खाने की चीज़ें वो कैरी करने पड़ेंगे। क्योंकि मैं हर व्लॉग में आपको बोलती हूँ जो जो इम्पोर्टेंट है वो आपको सब कैरी करना पड़ेगा। हम लोग ने ज़्यादा कुछ लेके नहीं गए थे क्योंकि हम लोग को मतलब हम लोग का आधे घंटे का रास्ता था, तो सोचा आधे घंटे जाने में, एक दो घंटे उधर घूमने में और वापस आने में, सो वो तो हो गया। हम लोग 8 बजे निकले और आई थिंक 11 साढ़े 11 बजे तक हम लोग घर पे भी पहुंच गए थे। सो रोड भी बहुत अच्छा है, सो हम लोग फास्ट गए और थोड़ा बहुत घूमे फिरे, अच्छा व्यू देखा और फिर निकल आए। सो आप कभी भी जाओगे तो सब कैरी करके जाइए क्योंकि दूर से आने वाले लोग, जो विजिट करने वाले लोग हैं, वो ज़रूर सब कुछ कैरी कीजिए क्योंकि वहाँ पे कुछ अवेलेबल है नहीं। सो आप कैरी करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और रोड और वो सब गांव और वो सब वहाँ पे मुझे आई थिंक लगता नहीं है कि वहाँ पे छोटे मोटे होटल्स भी रहेंगे, बट ऐसे मतलब योगा सेंटर्स और वो सब जो धार्मिक स्थल रहते वो सब वहाँ पे है। गांव है वो भी नज़दीक, ऐसे कुछ नहीं है कि वहाँ पे सारा टपरी भी आप बोल सकते हो या वड़ा पाव का ये नहीं है। एक दो स्पॉट है वड़ा पाव का, मैंने सुना है मूलगांव से अंदर वड़ा पाव एंड मिसल पाव बहुत बहुत टेस्टी है, वहाँ से आप लोग समझो जाओगे तो प्लीज़ रिटर्न आते वक्त तो आप ज़रूर खाइए क्योंकि वहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा है। हम लोग ने नहीं खाया, हम लोग को पता नहीं था, मैंने सिर्फ सुना था। सो आपको चांस मिले तो आप ज़रूर खाइए। अभी हम लोग बहुत नज़दीक आ गए, यहाँ से आगे एक मुलगांव का एक मतलब बोर्ड लगता है वहाँ से, मतलब अभी मैं दिखाऊंगी, ये देखिए ये मुलगांव का बोर्ड है और यहाँ से हमें राइट मारना है। राइट लेंगे तो ऊपर ही देखिए, मैंने वो क्लिप नहीं लिया, वहाँ पे ये भी नहीं था, आगे ऐसे बोर्ड भी नहीं था कि यहाँ से अंदर, मतलब वो टूटा हुआ बोर्ड था इसके लिए मैंने क्लिप नहीं लिया। यही जो है वो रास्ता, यहाँ से ये प्रवेश द्वार चालू होता है वो खंडेराय जो देवस्थान है मंदिर है उसका, और ये पूरा गांव है, गांव से एकदम से मतलब एकदम से जो एंड रहता है वहां पे वो मंदिर है। और मंदिर जो है वो पूरा पहाड़ पे है, पूरा पहाड़ की जो चोटी रहती है वहां पे है। सो सोचिए कि कितना क्या क्या रहेगा, कैसे रहेगा, वो आगे देखते जाइए। मैं अभी पहले बोल दूंगी तो आप आगे नहीं देखोगे, तो आपको भी थोड़ा एक सरप्राइज के लिए आप देखते जाइए तो पता चलेगा। ये देखिए ये पूरा गांव है, पूरा शांत गांव है और यहाँ पे ही सब मतलब गांव में ही खेती और वो सब चालू है। मैं हम लोग ने वो थोड़ा देखा, घूमे फिरे और वहाँ पे थोड़े मतलब थोड़ा आइडिया भी लिया, तो वहाँ पे बहुत बहुत ब्यूटीफुल गांव है। और हम लोग आगे चलते गए और अभी हम लोग थोड़ी देर में 5-10 मिनट में ही वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। सो ये देखिए ये पूरा रोड भी बहुत छोटा है, मतलब नैरो रोड है और एक साथ ही आएंगे जाएंगे ऐसा रोड है, और मतलब एक वन वे नहीं है, ये टू वे है, दोनों भी आ सकते जा सकते। ये देखिए अभी ये एंड आ गया है पूरा गांव का जो, और वहाँ से हम लोग अभी ये देखिए यहाँ से ये एंट्री चालू होता है पार्किंग के लिए। अभी देखिए हम लोग पार्क करेंगे और मैं आपको एक पार्किंग का क्लिप दिखाती हूँ, सो आपको एक आइडिया आएगा। ये देखिए ये अभी पूरा गांव का एंड हो गया है, यहाँ से हम लोग ने अंदर गए और यहाँ पे बाइक लगा दी।
ये देखिए, ये जो पूरा है वो पार्किंग स्लॉट है, पार्किंग आप यहाँ पे गाड़ी पार्क कर सकते हो। ये पूरा पूरा ये जो क्लिप मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पूरा क्लिप यहाँ पे देखिए, बाइक्स लगाए एक साइड में, एक साइड में प्राइवेट जो हमारे फोर व्हीलर्स रहते हैं वो लगाए हैं। और ये देखिए, ये मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा रही हूँ, ये जो है वो जो मंदिर है उसका माथा है, पूरा टॉप का पोर्शन है, वहाँ तक हम लोग को जाना है चल के, क्योंकि यहाँ से आगे गाड़ी नहीं जा सकती। ये देखिए, हाय हेलो, हम लोग सब लोग है, सोचा एक के कैसे कैसे है आइडिया दे रहे हैं। सब लोग मजाक मस्ती के मूड में है। और मेरा बेटा, मैं अभी दिखाती हूँ आपको, वो देखिए, वो भी अच्छा मस्त लग रहा है, उसको भी घूम फिर के घूम, थोड़ा मज़ा आता है, कुछ थोड़े हवा चेंज हो जाती है, घर में रह के थोड़े बोर हो जाते हैं। बट प्रिकॉशन लेके बाहर निकले हम लोग, जैसे प्रिकॉशन लेके निकलते। ये देखिए, ये जो है वो कैलाशवासी कृष्णा का जो प्रवेश द्वार है, यहाँ से स्टार्ट होती है एंट्री। यहाँ से यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक वड़ा पाव का शॉप है, छोटा सा ही टपरी जैसे। और ये देखिए, यहाँ से स्टेप चालू होते हैं। ये जो स्टेप्स है वो बानो के मंदिर का है, ये मतलब बानो का मंदिर है। इसका क्लिप मैंने लास्ट में भी डाला है। और हम लोग ये स्टेप चलने लगे, और ये स्टेप चलते हुए हम लोग को बहुत थकान आई, मुझे कुछ अलग ही लगा, ये स्टेप बहुत अलग ही है। और ये स्टेप अराउंड 500, 400 टू 500 के अप्रोक्स है। आप देखिए, बहुत थकान लगी, तो सोचा आपको आइडिया देती हूँ कि जिसका मतलब ये स्टैमिना बहुत अच्छा होगा वो ही ये स्टेप चल पाएगा, क्योंकि स्टेप बहुत मतलब बीच बीच में ऐसे स्टेप है कि हम लोग थोड़े चलेंगे बाद में स्टेप आती है, थोड़े चलेंगे बाद में स्टेप आती है, बट ये स्टेप कैसे ऐसे उतरती हुई नहीं है, चढ़ती हुई है। बहुत बहुत पेनफुल लगा, क्योंकि और बच्चे को लेके जाना तो बहुत मतलब छोटा बच्चा रहेगा, आपको बोलूँगी बाद में विजिट कीजिए, क्योंकि बड़ा रहेगा तो थोड़ा बहुत स्टेप तो चल पाएगा। हम लोग थोड़े इधर उधर टहले, आगे देखते देखते चले गए, मजाक मस्ती करते चले गए। इसके लिए स्टेप का इतना मतलब तकलीफ नहीं हुआ, बट एक दो जन रहेंगे तो बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि बहुत स्टेप्स बहुत क्रिटिकल है, बहुत कि कुछ कुछ जगह पे ऐसे स्टेप है कि आपको पकड़ना ही पड़ेगा, आप मतलब बाजू के जो हैंडल्स है वो लेके पकड़ के चलना पड़ेगा। फ्रैंकली स्पीकिंग तो मैंने भी वही किया, बट वो जो हैंडल है वो भी ऐसे मतलब जो लोखंड के रहते हैं वैसे नहीं है, कुछ कुछ जगह पे तो टूटे हुए हैं। आप ज़रूर ध्यान देके चलिए। मेरे बेटा देखो, दो तीन स्टेप चलता नहीं कि उसको बहुत बोर हो जाता है, वो उसको चलने के लिए हुआ ही नहीं। मेरे हस्बैंड ही लेके चल रहे थे, मेरे भाई ने थोड़ी देर लिया, भाभी ने लिया, ऐसे करके हम लोग ने वो पूरा रास्ता निकाला। इसके लिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ये जो स्टेप है वो बहुत बहुत मतलब बहुत ऐसे हॉरिबल लगे हम, मुझे तो फ्रैंकली स्पीकिंग तो मुझे हॉरिबल लगे, क्योंकि कुछ कुछ स्टेप तो इतने मतलब डरावने लगे कि हम लोग गिर जाएंगे, या स्लीपरी आपकी जो चप्पल रहेगी तो बहुत बहुत मतलब ये है। आप कभी भी अच्छे चप्पल पहन के, या मतलब ऐसे बोल रही हूँ क्योंकि आज मैं ब्लॉग कर रही हूँ तो आपको आइडिया देने के लिए कि क्या क्या है। और ये व्यू तो नज़ारा तो बहुत अच्छा है, मतलब वहाँ से नीचे से देखेंगे और ऊपर जाएंगे और ऊपर जाएंगे तो नज़ारा और बहुत अच्छी तरह ये हो रहा है, बढ़ते ही जाता है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। मैंने आपको स्टेप की थोड़ी बहुत आइडिया दे दी, अराउंड 500 के 550 स्टेप है। ये देखिए, स्टेप का मैंने और एक वीडियो थोड़ा क्लिप डाला है तो आपको अंदाज़ा आएगा। और उसका मतलब बीच में चलने का भी ये है, तो अराउंड 1400 के अप्रॉक्स आपका मतलब ये चलने का जो सिर्फ चलने के स्टेप रहेंगे। आप एक आइडिया दीजिए, अप्रॉक्स 500 टू 550 स्टेप है। और ये देखिए, हम लोग फिर थोड़े मजाक मस्ती कर कर के चलते जा रहे थे और व्यू देखते जा रहे थे, नज़ारा बहुत ही अच्छा है, जैसे टॉप में जाएंगे तो नज़ारा और ब्यूटीफुल होने लगता है। और हमें लगा कि कोरोना की वजह से इतना बहुत गर्दी रहेगा नहीं, बट वो बहुत पब्लिक था वहाँ पे, थोड़ा मजाक मस्ती कर करके सब पब्लिक जा रहे थे, इतना भी ऐसे रश नहीं था, सोशल डिस्टेंसिंग करके वो सब ये मतलब मास्क और वो सब लगा के सब लोग प्रिकॉशन लेके ही जा रहे थे। और ये देखिए, मेरा बेटा रोने लगा, उसको सिर्फ रोने के अलावा और क्या मज़ा, उसको सिर्फ उठा के लेके। ये देखिए, ये अभी मैं आपको दिखा रही, वो माता जो है मैंने वो दिखाया था, वो अभी थोड़ा नज़दीक नज़दीक आ रहा है, तो हम लोग को भी खुशी लगा कि हाँ यार, हम लोग वहाँ तक पहुँच गए, नज़दीक आ रहा है हमारा मंदिर, जो हमें वहाँ तक पहुँचना है वो। और ये देखिए, थोड़ा बहुत ऐसे क्लिप दिखा रही, स्टेप स्टेप के, जूमिंग के।
जूम करके एक एक चीज आपको दिखा रही हूँ क्योंकि आपको आइडिया आने के लिए। ये देखिए, ये जो मैंने अभी जूम करके दिखाया है ये है बारवी डैम। ये बारवी डैम वही है, मैंने एक उसका वीडियो बनाया है, व्लॉग बनाया है। आपको उसका लिंक चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वो आप चेकआउट कर लीजिए। और मतलब यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये जो है वो मंदिर है, मैं आगे से भी दिखाऊंगी। और ये जो है वो नज़दीक आ गए हम लोग, तो हमारे चेहरे पर खुशी देखो कितना, बहुत अच्छी तरह स्माइल आ रही है। क्या हाँ यार, हम लोग ने इतना मेहनत करके ऊपर चढ़े। सो ये देखिए, ये जो स्टेप है, ये भी स्टेप मुझे बहुत हॉरिबल लगे क्योंकि स्टेप ऐसे उतरते, मतलब चढ़ते हुए बहुत, मतलब ऐसे बहुत ऐसे खड़े स्टेप है। ये देखिए, ये स्टेप देखिए बहुत, मतलब और चढ़ने के वक्त बहुत थोड़ा संभाल के आप चढ़िए, और ऐसे मतलब हाथ पकड़ के या एक दूसरे का हाथ पकड़ के या जो यहाँ पे जो हैंडल से वो पकड़ के चलिए। ये देखिए, ये जो स्टेप है ये पूरे हो गए। और ये है मंदिर जो आपको मुझे देवस्थान बताना था, श्री क्षेत्र खंडेराय देवस्थान, मूल गाँव बदलापुर। और ये देखिए, ये देखिए पूरा सीनरी बहुत ब्यूटीफुल लगता है वहाँ से, तो बहुत बहुत ब्यूटीफुल। ये देखिए, ये है बारवी डैम और डिज्नी फॉरेस्ट है, वहाँ पे मुझे जाना है, मैं ज़रूर उसका ब्लॉग बनाऊंगी। सो ये है मंदिर, आपको मैंने एक साइड का व्यू बताया। ये देखिए, एक साइड से ये नज़ारा ऐसा लगता है, मंदिर बहुत ब्यूटीफुल है, कलर्स भी बहुत अच्छे हैं उसके। बहुत ये जो है वो, ये जो बाजू में जो हैंडल्स लगे हुए हैं वो मुझे थोड़े डेंजर लगे, और ये बहुत ऊंचाई पे है। सो आपको ये देखिए, एक साइड से पूरा बदलापुर सिटी दिखता है, तावली पीक दिखता है, भाभोज लेक दिखता है, चंदेरी फोर्ट दिखता है, मतलब एक साइड से अलग व्यू दिखता है, एक साइड से बहुत अलग व्यू दिखता है। और बहुत ब्यूटीफुल लगा, थोड़ा ऐसे टाइम पास किया, मज़ा मस्ती किया, सो बहुत अच्छा लगा, और थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया तो बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग ऐसे घूम रहे थे, फिर रहे थे, और वहाँ पे इतना, मतलब दो मंदिर के आजू बाजू में इतना बड़ी जगह है कि हम लोग अच्छे से घूम फिर सकते हैं। और मुझे लगता है आई थिंक कोरोना की वजह से इतने पब्लिक कम थी इसके लिए, नहीं तो पूरा पब्लिक रहेगा तो ये पूरा आई थिंक ये जो जगह है वो पूरी भर जाएगी। और ये देखिए, ये जो मंदिर का अंदर का ये है, ये देखिए ऊपर से वो कलश है, और नीचे से ये देखिए ये स्टेप है, यहाँ से हम लोग को अभी अंदर अंदर जाना था तो सोचा मैं एक थोड़ा व्यू दिखा देती हूँ आपको कि अंदर से ये कैसे दिखता है। ये देखिए, मेरा बेटा बहुत खुश है, उसको बहुत मज़ा आ रहा है, थोड़ा अच्छा लगता है, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है, फ्रेश लगता है। सो ये भी ऐसे मज़ा ले रहा था, वहाँ पे ऐसे बेंच है बैठने के लिए थोड़े बहुत, तो मतलब यहाँ पे इतना, मतलब ऊपर स्टेप चल के आना और उसके बाद थोड़ा मतलब बैठना ज़रूरी है। सो हम लोग ऐसे थोड़े ये कर रहे थे, और हम लोग ऐसे लाइन थी, छोटी ही लाइन थी, इतना कुछ नहीं था पब्लिक, मैंने बोला वैसे सोशल डिस्टेंसिंग रख के सब लोग थे, और बहुत मज़ा आया। ये देखिए, ये जो है वो खंडेराय भगवान जो है उनका क्लिप है, इतना कुछ क्लिप ले नहीं पाई क्योंकि वहाँ पे अलाउ नहीं था, फिर छोटे मोटे उनको थोड़ा रिक्वेस्ट करके ले लिया क्लिप क्योंकि अलाउड नहीं है। ये देखिए, फिर बाहर आए हम लोग, अंदर अलाउड नहीं है, नॉर्मली आपको मालूम है भगवान के अंदर अलाउड नहीं रहता है, कोई कोई मंदिर में तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड रहता है, बट हम लोग ने छोटा क्लिप ले लिया आपको दिखाने के लिए। और ये देखिए, ये पूरा व्यू आप देखोगे ना बहुत ब्यूटीफुल लगता है। अभी कैसे थोड़ी धूप निकली थी और दोपहर का वक्त हो गया था तो इतना मतलब ये नहीं लगा, बट वहाँ से तो बहुत ब्यूटीफुल लगता है, और बहुत ऊंचाई पे है तो जिसको ऊंचाई से डर है उसके लिए, उनके लिए तो मैं बोलूँगी आप थोड़ा संभाल के ही जाइए, ना नहीं जाइए मैं ऐसा नहीं बोलूँगी। ये देखिए बारवी डैम, बट आपको देखना है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और मैं बोल रही थी ऊंचाई का जिसको डर है वो आप संभल के जाइए। अभी हम लोगों ने सोचा फिर हम लोग निकल जाते हैं क्योंकि बाद में जाना है, इतनी दूर जाना है। मुझे लगा स्टेप जब हम लोग चढ़ रहे थे तो पौने घंटे में हम लोग ने ख़त्म किया, मतलब पौना घंटा लगा, बट हम लोग जब भी उतरे ना मुझे लगा था डर क्योंकि स्टेप बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट लगे थे, उतरने के वक्त ऐसा लग रहा था कि मैं गिर ही जाऊँगी, स्लिप हो जाऊँगी, बट ऐसा नहीं हुआ।
उतरते समय हम लोग को हार्डली 15 to 20 मिनट्स में हम लोग उतर गए, मालूम नहीं क्यों बट उतर गए। और अच्छा लगा और अच्छा स्पॉट है, ब्यूटीफुल स्पॉट है। और ये देखिए हम लोग थोड़ा ऐसे टाइम पास करते, ग्रुप में जाएंगे ना तो बहुत मज़ा आता है, और नहीं तो ऐसे अकेले दो जन हैं या कपल्स लोग जाएंगे तो इतना मज़ा नहीं आता है। सो आप कभी भी जाओगे तो ग्रुप में जाइए, बहुत इंजॉय करोगे। और मैंने जैसे बोला वहाँ पर कुछ नहीं है अवेलेबल। ये देख मैं अभी भानु का मंदिर आपको दिखाती हूँ, जो मैंने स्टार्ट में आपको बोला था वो क्लिप का, वो ये देखिए बहुत स्वीट है, बहुत मतलब सिंपल है मंदिर, बहुत अच्छा है। और यहाँ पे देखिए अंदर भी वो भानु देवी है, और ये धूप थी इसके लिए ज़्यादा अच्छा क्लिप नहीं ले पाई, शॉर्ट एंड स्वीट में मैंने क्लिप लिया है। और मुझे आई थिंक लगा कि यहाँ पे अलाव है कि नहीं है, सो इसके लिए मैंने छोटा सा क्लिप लिया। और हम लोग अभी चल दिए क्योंकि ये हो गया था वो विज़िट करके। और ये देखिए थोड़ा सा शॉर्ट एंड स्वीट जो हमारा ट्रिप था वो आधा तो हो गया था, और मैं आपको लास्ट में थोड़े बहुत क्लिप आपको दिखा रही हूँ, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या क्या अच्छे अच्छे स्पॉट है यहाँ। जैसे बताया कि वहाँ पे खाने की चीज़ें मतलब अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे नीचे एक ये है वड़ा पाव वाला, वहाँ से आप खा सकते हैं, बट थोड़ा बहुत पानी या खाने की चीज़ें आप लेके जाइए। नीचे ही एक स्टॉल है, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, मतलब वेफर चिप्स और वो सब, थोड़ा बहुत चटर पटर तो मिल जाएगा, बट समझो बहुत स्टेप्स है तो भूख लगेगी, जो मतलब फूडी है उनके लिए तो आपको कैरी करना पड़ेगा खाना, क्योंकि वहाँ पे कुछ नहीं है। वहाँ पे ऊपर बैठने के लिए अलाव है, वहाँ पे आप लोग खाना खा भी सकते हैं, ऐसे है। बट हम लोग ऐसे ही गए थे, थोड़ा घूम फिर के हमारे नज़दीक है तो लोग ऐसे ही जाके आए, और बहुत मज़ा आया। ये शॉर्ट ट्रिप के लिए नज़दीक रहेगा कल्याण या बदलापुर या अम्बरनाथ वांगनी, इन लोगों के लिए तो बहुत नज़दीक है आई थिंक। बट जो दूर से है बॉम्बे से आ रहे हैं वो तो सब कैरी करके आइए, प्राइवेट गाड़ी रहेगी, खुद की गाड़ी रहेगी तो बहुत अच्छा। मुझे वहाँ पे ऐसा लगा नहीं कि मतलब ST है या रिक्शा है, ऐसे जो गवर्नमेंट कुछ है रहते हैं व्हीकल रहते हैं वो वहाँ पे मुझे नहीं लगे। वहाँ पे ऐसे फैसिलिटी मुझे नहीं लगा कि बस स्टॉप है या ST का स्टॉप है, ऐसा कुछ भी नहीं लगा। सो आप प्राइवेट गाड़ी लाएंगे तो बहुत अच्छा है। वहाँ पे मैंने पार्किंग का स्पॉट भी आपको दिखाया है, वहाँ पे आप पार्क कर सकते हो। ये बीच में ऐसे योगासन सेंटर्स भी है, सो आप वहाँ पे जा सकते हो। बीच में वो डिज्नी फॉरेस्ट भी है, यहाँ से ही आगे लगता है। हम लोग दोपहर हो गई थी इसके लिए नहीं गए, शाम रहती या सुबह सुबह रहते तो हम लोग जरूर जाते, बट उसका एक व्लॉग मैं ज़रूर डालूंगी, आगे डालूंगी, कभी डालूंगी मालूम नहीं, हम जब जाएंगे तब मैं ज़रूर डालूंगी। वो आप देखिए, वो आप चेकआउट कर लीजिए। और बारहवीं डैम का जो व्लॉग है वो आपको देखना होगा, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वो आप चेकआउट कर लीजिए। बट ये देखिए, ये जो रिवर नदी जो मैंने बोली थी कि मैं आते समय भी आपको क्लिप दिखाऊंगी, ये है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत बहुत अमेजिंग है। सो आप ज़रूर आइए यहाँ पे और आप देखिए, बहुत मज़ा आया हम लोग को, बहुत अच्छा लगा। ट्रिप छोटी सी थी पर बहुत अच्छी लगी, छोटी ट्रिप भी बहुत अच्छी लगती है बड़े ट्रिप से। सो हम लोग ने बहुत मज़ा किया। सो ये थोड़े बहुत पिक है मैंने लास्ट में डाले, और आपको ये जो श्री क्षेत्र खंडेलाय देवस्थान मूलगांव बदलापुर का जो व्लॉग है वो कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइए। और कौन से व्लॉग आपको देखने हैं, कुछ अलग कुछ आपको देखना है तो वो भी मुझे ज़रूर बताइए। और आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं, मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं वो मुझे आप ज़रूर बताइए। और मेरे ब्लॉग से आपको कुछ हेल्प मिल रही है कि नहीं मिल रही है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और मुझे आप इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ग्लैमरस सखी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।